थाना क्षेत्र के पदमपुर जतरा से सोमवार रात्रि 9 बजे नाबालिग युवती को स्कूटी व मोटरसाइकिल में अपहरण करके 5 अज्ञात अभियुक्त द्वारा सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। समाज सेवी मोनिका कुमारी ने बताया कि छाता अंबर टोली गांव की दो युवती गांव के 3 युवक के साथ साइकिल में पदमपुर जतरा गई हुई थी। जतरा देखकर रात्रि 9 बजे घर लौटने के क्रम में स्कूटी व मोटरसाइकिल पर 5 अज्ञात युवक 14 वर्ष की युवती को धमकी देकर अपहरण करके अपने साथ ले गए। वहीं पीड़िता लड़की के लड़का दोस्त द्वारा पहाड़ टोली गांव निवासी समाज सेवी युवती मोनिका कुमारी को 10:30 बजे रात की घटना की जानकारी दी गई। तभी मोनिका कुमारी ने मोबाइल से कर्रा थाना को घटना की जानकारी दी। मामला एक लड़की का मतलब दुष्कर्म हुआ, जिस वो मामला है जिसको हम लोग कैसे बोलें कि उस लड़की के साथ इस तरह का हुआ है कि कोई बयान नहीं कर सकता जिस तरह उसके साथ हुआ है। जो लड़की अभी नाबालिग है, ओनली 15 साल की है लड़की, और उसके साथ 5 लड़कों ने मिल के दुष्कर्म किया है। हम लोग चाहते हैं कि हम भी चाहते हैं इसमें कि लड़की का जो गुनहगार है वो लोग को जल्द से जल्द पकड़ें। उसके बाद क्या बोल सकते हैं, बस भगवान करे ये सब हो जाए, जल्दी से पकड़ा जाए ये लोग, क्योंकि बहुत तकलीफ में है लड़की, उसको पकड़ना बहुत जरूरी है और लड़की को इंसाफ दिलना बहुत जरूरी है। वहीं मंगलवार को युवती को मेडिकल जांच व 164 का बयान कराकर परिजनों के साथ घर भेजा गया है। घटना के बाद करा पुलिस घटना के अनुसंधान में जुटी हुई है। दो गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? नहीं सुना, आइए समझाते हैं। देखिए, दो गड्ढा बनाइए, पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना तो ये चालू हो जाएगा, और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ, क्या समझे, शौचालय दो गड्ढों वाला ही बनवा। स्वच्छता को आदत बनाना है। Want to see something hot? क्या तुम्हारे ठुमके में है मेरे वाला दम? जोश पर आए, अपना ठुमका लगा दुनिया हिला चैलेंज अपलोड करें और हर हफ्ते जीतें 25 लाख तक के इनाम।